हेलो दोस्तों, मैं हूं डीजो नेक्स, वेलकम करता हूं हमारे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 2। और इससे पहले का एपिसोड आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाके देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जल्दी से जाके उस एपिसोड को देख लो। और मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सभी हंटर्स डबल डंजन के अंदर फंस जाते हैं, वहां पे काफी सारे हंटर्स एक एक करके मारे जा चुके थे। तो अब बिना किसी देरी के करते शुरू ये एपिसोड की स्टार्टिंग। सभी हंटर्स को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरे हुए थे उस अटैक की वजह से। काफी सारे हंटर्स यहां पे जल के मार जा चुका था। और यहाँ पे जो मिस्टर चूल होता है जिनके पास में आते हैं उसे शुक्रिया कहा था, क्योंकि यहाँ पे उसने उन सभी को नीचे झुकने के लिए कहा था। और यहाँ पे जो मिस्टर चूल होता है उनका हाथ यहाँ पे कट चुका था। और ये देखना जिनू उनके बैंडेज करने लग जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। जिनू जब यहाँ पे उनकी बैंडेज कर रहा था, यहाँ पे मिस्टर चूल जिनू से यहाँ पे कहा था, मैं डी रैंक की डंजन और भी बहुत सारी डंजन के अंदर गया हूँ, मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे मॉन्स्टर स्टैचू का सामना नहीं किया जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और यहाँ पे एक स्टैचू के कॉमन रेंट के अंदर तो पता नहीं क्या लिखा था, वहाँ पे लिखा था प्राइज द गॉड, वर्शिप द गॉड एंड बिलीव द गॉड। पता नहीं यहाँ पे गॉड का मतलब क्या है। और ये सुनने के यहाँ पे जो जिनगू होता है वो यहाँ पे काफी ज्यादा सोचने लग जाता है। और जिनू इस स्टैचू की तरफ देखते हुए यहाँ पे कहता है, कहीं स्टैचू वो तो नहीं, और यहाँ पे आप लोग सही सोचो। इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। फिर बाद में नैरेटर हम लोगों को यहाँ पे कहता है, इस दुनिया में जो डंजन पोर्टल्स ओपन हुए उन लोगों को हम लोग यहाँ पे गेट कहते हैं, और यहाँ पे जो लोग अपनी पावर को अवेकन कर लेते हैं उनको हम यहाँ पे हंटर कहते हैं। अगर एक बार कोई अपनी पावर को अवेकन कर लेता है तो उसको यहाँ पे बदल नहीं सकता, चाहे वो यहाँ पे कुछ भी कर ले। और इसी के साथ यहाँ पे फिर से सीन चेंज हो जाता है। और हमें यहाँ पे एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रही होती है। और फिर से यहाँ पे सीन कट हो गया, हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है। जो जिनू होता है मिस्टर चूल को सारी बात समझाने लग जाता है। और यहाँ पे एक हंटर अपनी स्पीड को रिलीज करते हुए काफी तेजी सामने तक भागते हुए जाता है और कहता है, मुझे भरोसा है, और वो तभी यहाँ पे मारा जाता है। और ये देखो यहाँ पे जितने भी हंटर्स और जिनू होते हैं सभी काफी हैरान हो जाते हैं, कहते हैं हम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टैचूज है सभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमको यहाँ पे एक सेकंड में मार सकते हैं जैसे कि किसी चीटी को मारना होता है। और यहाँ पे जिनू कहता है, कॉम्युनिटी में पहली चीज क्या थी, वहाँ पे पहली चीज वॉटशिप द गॉड थी। और ये कहने के बाद यहाँ पे जो जिनू होता है खड़ा होने लग जाता है, और यहाँ पे खड़े होते ही जैसे वहाँ लेजर बीम चलने लग जाती है, लेकिन तभी वो नीचे झुक जाता है। और यहाँ पे सभी हंटर से कहता है, तुम लोगों को अपने घुटने पे आना होगा। और सभी जैसे नीचे झुकते ही स्टैचू की क्रिपी से स्माइल देते हुए यहाँ पे हंसने लग जाता है। और यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं इस स्माइल को देखने वाले, लेकिन सभी यहाँ पे जो मिस्टर पार्क होते हुए खड़े होते हुए कहते हैं, ये स्टैचू यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, हम लोग यहाँ पे खड़े हो सकते, लेकिन तभी यहाँ पे जो स्टैचू होता है, जैसे सब लोग खड़े होते हैं यहाँ पे जो स्टैचू होता है वो खुद भी यहाँ पे एकदम खड़ा हो जाता है। और ये देखते हैं यहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं सभी यहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, काफी ज्यादा डरने लग जाते हैं। यहाँ पे जो जिन होते हैं यहाँ पे कहता है, अब हमें दूसरी चीज यहाँ पे वॉर्शिप ऑफ द गॉड करनी होगी। और जैसे ही सुनते हैं यहाँ पे एक हंटर आ गया तो कहता है, मुझे मालूम है गॉड की वॉर्शिप कैसे की जाती है। और ये कहने के साथ ही वो आगे की तरफ जाता है और यहाँ पे उस स्टैचू की तरफ नीचे की तरफ झुक जाता है। और यहाँ पे उससे यहाँ पे एक इंग्लिश में सॉन्ग गाने लग जाता है, मतलब प्रार्थना करने लग जाता है। और यहाँ पे जैसे ही प्रार्थना करता है यहाँ पे जो स्टैचू होता है यहाँ पे क्रीपी सी स्माइल देता है और यहाँ पे उसको यहाँ पे मार डालता है। और ये देखने यहाँ पे जो मिस्टर पार्क होता है और जितने भी हंटर्स होते हैं सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, सभी हंटर्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और यहाँ पे जो मिस्टर पार्क होते हैं यहाँ पे दूसरी तरफ भागने लग जाते हैं और कहता है, मुझे अपनी फैमिली के पास में जाना है जिंदा। और ये वो यहाँ पे एक स्टैचू के पास में पहुंच जाते हैं और मिस्टर के मुझको यहाँ पे कहते हैं, तो यहाँ पीछे देखो। तब यहाँ पे जो एक स्टैचू होता है यहाँ पे मिस्टर पार्क को पीछे से अपनी शॉट से मार देता है और यहाँ पे मिस्टर पार्क के दो टुकड़े हो जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा ब्रूटल डेथ होती है। देखने यहाँ पे जो जिनू होता है यहाँ पे कहता है, मतलब प्राइज द गॉड का मतलब क्या। और यहाँ पे सभी स्टैचूज की तरफ देखने लग जाता है और यहाँ पे कुछ स्टैचूज के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, सभी लोग से कहता है उन स्टैचू के पास में चले जाओ जिनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो। और सभी ऐसे ही करते हैं और यहाँ पे जिनू जो भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे दो जनों की जैसे काम नहीं करता और जिनू हाथ से भागते हुए दूसरी की तरफ जाने लग जाता है। तभी उसके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करने लग जाता है वो स्टैचू। और यहाँ पे जो जिनू होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है और यहाँ पे रिंगते हुए उस स्टैचू की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बड़ा स्टैचू होता है शांत हो जाता है। फिर हमें यहाँ पे पता चलता है स्टैचू के अटैक की वजह से यहाँ पे जिनू ने अपना एक पैर खो दिया। और ये देखो जो जूई होती है उसको हील करने लग जाती है, लेकिन अपनी पावर ज्यादा यूज करने की वजह से जूई को भी यहाँ पे काफी ज्यादा खून आने लग जाता है। और ये देखो यहाँ पे सभी हंटर्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मिस्टर किम होती है यहाँ पे मिस्टर चियोल को कहने लग जाती है, सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पे आके फंस चुके हैं, काफी सारे हंटर्स यहाँ पे मारे जा चुके हैं। तभी उन लोगों के सामने एक फॉर्मेशन जैसी कोई चीज आ जाती है और जिन्हू ये देखने के बाद कहता है, ये तो अल्टर है जिसको हम सैक्रीफाइस के लिए यूज करते हैं। और ये सुनिए होते यहाँ पे जो मिस्टर किम होते हैं यहाँ पे मिस्टर चूल के ऊपर शॉट करते हुए कहता है, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और अपना सैक्रीफाइस देना चाहिए और हम लोगों की यहाँ पे जान बचानी चाहिए। और ये देखें तो यहाँ पे जो मिस्टर चूल होते कहते हैं, ठीक है मैं अपना सैक्रीफाइस देने ला लूँ। और वो यहाँ पे फॉर्मेशन जाते हैं तो वहाँ पे एक फायर जनरल जाती है। ये देखने यहाँ पे जो जिन्हों तक काफी देर हैरान रहते और यहाँ पे उन दो लोगों से कहता है, मुझे उस अल्टर के पास में लेके चलो, मुझे यहाँ पे उस फॉर्मेशन को देखना है। वो जैसे चार जाते हैं वहाँ पे चार फायर जनरल जाती है।
और ये देखो जेनू का वैसे हैरान रहता है। और जेनू यहाँ पे कहता है अगर हम वक्त देते हैं यहाँ पे डंजन के मॉन्स्टर को नहीं मारते तो वो डंजन से बाहर आ जाते हैं और लोगों को यहाँ पे मारने लग जाते हैं। और ये सोचते हुए वहाँ पे उन सभी हंटर्स को फॉर्मेशन के अंदर बुला लेता है और सभी जैसे ही अंदर जाते हैं वहाँ पे फायर जलने लग जाती है और यहाँ पे ब्लू फायर भी जलने लग जाती है और यहाँ पे जो दरवाजा था वो खुल जाता है। यहाँ पे जो दरवाजा होता है वहाँ पे जैसे ही खुल जाता है कहते हैं कि अब हम यहाँ से निकल सकते हैं और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं उनकी तरफ आने लग जाते हैं। और ये देखना जो जिन्नू होता है वो कहता है अगर तुम लोग इनकी तरफ देखोगे तो इनकी स्पीड का वजह स्लो हो जाती है, जल्दी से इनकी तरफ देखते रहो, इनको घूरते रहो। और ये सुनने को यहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी यहाँ पे इन स्टैचूज को घूरने लग जाते हैं जिसकी वजह से वो स्टैचू एक जगह रुक जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जो जिन्नू को एक लड़की लेके आई होती है साथ में वो लड़की यहाँ से भाग जाती है जिसकी वजह से जो दरवाजा तो थोड़ा सा बंद हो जाता है। और ये देखो सभी का उधर खुश रहते कहता है हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं लेकिन ये दरवाजा बंद हो जाएगा। और यहाँ पे तभी यहाँ पे एक लड़का होता है जो कि जिन्नू को लेके आता है, वो भी यहाँ पे जिन्नू को धक्का देता है और वो भी यहाँ से भाग के निकल जाता है और दरवाजा थोड़ा सा और बंद हो जाता है। और ये देखो जो जिन्नू होता है कहता है अभी ये दो हंटर जैसे जाते हैं जिन्नू यहाँ पे कहता है अब हमारे पास यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट आ गया जिसकी वजह से तुम लोगों को यहाँ पे इनको घूरते रहना होगा। तभी यहाँ पे जो मिस्टर किमोतो रहते हुए कहता है मुझे जिंदा अपनी फैमिली के पास में जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं मरना। और तभी वो भी यहाँ से भाग के चले जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इस फॉर्मेशन के अंदर ये तीन लोग यहाँ पे बचते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और तभी यहाँ पे जो जूई होती है वो यहाँ पे अपने पैरों को यूज नहीं कर पा रही होती क्योंकि उसने काफी ज्यादा हीलिंग पावर यूज कर ली थी। और यहाँ पे मिस्टर चुल कहते हैं तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पे रुकता हूँ जिसकी वजह से दरवाजा यहाँ पे बंद नहीं होगा। तभी यहाँ पे जो जिन्नू होता है यहाँ पे मिस्टर चुल से कहता है आप इसको जूही को लेकर यहाँ से चले जाओ क्योंकि यहाँ पे मेरा पैर टूटा हुआ तो मैं यहाँ पे भाग नहीं सकता हूँ। वो दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे जो जिन्नू होता है वो यहाँ पे अकेला बच जाता है और ये मॉन्स्टर उसकी तरफ आने लग जाता है। और ये देखने यहाँ पे जो जिन्नू होता है कहता है मुझे जिंदा बचना है और वो अपने हाथ में एक सॉर्ड ले लेता है और कहता है मैं अपनी लाइफ तक हर टाइम स्ट्रगल करता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना था लेकिन मैं यहाँ पे अब मरने वाला हूँ, मुझे अपने आप को सर्वाइव कराना होगा। तभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं उसके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करने लग जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा ब्रूटल अटैक होता है। और यहाँ पे जो जिन्नू होता है रोने लग जाता है और कहता है मैं हमेशा ही बहुत ज्यादा वीक रहा हूँ, मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना था लेकिन मैं कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया। और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं यहाँ पे हमारे जिन्नू के ऊपर काफी जोर जोर से अटैक करने लग जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो जिन्नू होता है उसका एक हाथ भी यहाँ पे कट जाता है। जिन्नू यहाँ पे कहता है मेरी भी फैमिली है, तुम लोग सभी लोग काफी ज्यादा सेल्फिश हो, तुमने अपने बारे में सोचा और बेनिफिट के बारे में सोचा और मुझे अकेले को यहाँ पे छोड़ के चले गए। और यहाँ पे जो जिन्नू होता है काफी ब्रूटल तरीके से मार खा रहा होता है और वो काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से घायल हो चुका होता है, उसका काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है और कहता है तुम सभी लोग काफी ज्यादा सेल्फिश हो, मुझे अकेले को यहाँ पे छोड़ के चले गए, मुझे भी अपनी फैमिली के पास जिंदा जाना था लेकिन तुम लोगों की वजह से यहाँ पे मरने वाला हूँ। और जो जिन्नू होता है कहता है मुझे आखिरी मौका मिलना चाहिए, मुझे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना था। और तभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है अपने पावर को यूज करते हुए अपनी जो स्वॉर्ड होता है उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। तभी यहाँ पे जो ब्लू फायर होती है वो यहाँ पे गायब हो जाती है और जैसी लास्ट ब्लू फायर गायब होती है यहाँ पे जो जिन्नू होता है उसके पास में यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है और वो यहाँ पे कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन तुम यहाँ पे सिस्टम को जीत चुके हो। और यहाँ पे जो एक सिस्टम का नोटिफिकेशन हमारे जिन्नू की आंखों के सामने आता है और कहता है क्या तुम इस सिस्टम को यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा क्या जिन्नू यहाँ पे सिस्टम की वजह से सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। और अगर चैनल पे नए हो तो जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करना मत भूलो। मैंने कब से मांगा और मनुआ को भी एक्सप्लेन किया है जिनमें मैंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं जिनको मैंने लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जल्द से आकर चेकआउट कर लो। और अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो लाइक करना मत भूलो, कमेंट जरूर करके बताना मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।